ये तो हमने प्रोवर्ड जेड के ये प्रोग्राम चलाया मास अवेयरनेस का, जिसमें हम 5 रोज़ा स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दे रहे हैं किसानों को जो भी इस काम के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। तो ये टेक्निकली और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होगा, जैसा कि आपने भी यहाँ देखा एक बड़ी तादाद थी यहाँ लोगों की, फार्मर्स की, जिसमें हम 5 दिन में इनको पूरा टेक्निकलिटी, एक्सपोजर विजिट कैसे करना है, वर्म्स कहाँ से लानी है, फिर डिसइंफेक्टेंट कैसे करना है, डिजीज़ फ्री कैसे रखना है, या इवन मैंने ये भी आज उनको बता दिया कि अगर आप हमारे फार्मर भी यहाँ सीड बनाना चाहेंगे हम वो भी गाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें एक पार्ट अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है बेंगलोर से। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भी इसमें अपना हाथ जोड़ दें, बटा दें, ताकि हम यहाँ लोकल भी, और हम खुद भी डिपार्टमेंट भी बनाता है सीड, लेकिन हम कुछ फार्मर्स को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे। एक तो सीड का मसला है, दूसरा हमने प्लांटेशन और फार्मर्स और जो हमारे ब्लॉक्स है उनकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम लीव बैंक अवेलेबल रखेंगे तभी हम ज़्यादा प्रोडक्शन बना पाएंगे, तभी हम ज़्यादा सिलिक बना सकते हैं। हमारा सिलिक जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, बाय वोल्टाइन है, और ये फेमस भी है, वर्ल्ड फेमस, क्योंकि इसमें शाइन ज़्यादा है। तो इस वजह से इंशाल्लाह इसमें हमने अपने ऑटोमेटिक रेलिंग यूनिट भी एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, हमारे यूथ्स को, हमारे लोगों को आगे आने पड़ेगा। 90% सब्सिडी इसमें सरकार दे रही है, हर एक स्टेज पर आपको सपोर्ट हो रहा है, चाहे आपका इक्विपमेंट है, चाहे आपको वर्म है, चाहे आपका लीफ है, हर एक चीज़ फ्री में दी जा रही है। मार्केट भी सरकार देती है, MSP 800 रुपये पर कीजी है, ऑक्शन में 1200-1300 रुपया हो जाता है, और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे अनंतनाग में भी ऑटोमेटिक एक ड्रायर एस्टेब्लिश करने की, जिसके लिए हम एस्टिमेट बना रहे हैं बिल्डिंग का, और इंशाल्लाह 2024 में आप देखेंगे अनंतनाग में भी एक ऑटोमेटिक ड्रायर होगा है। और मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मुझे भरपूर इसमें सपोर्ट किया जाए, ताकि मैं दूसरे जहाँ भी हमारे ऑक्शन मार्केट्स हैं वहाँ हम ऑटोमेटिक ये जो ड्रायर हैं वहाँ लगा दें, ताकि हमारे किसान को वहाँ ड्राइंग में सहूलियत हो, उसको सन ड्राइंग या दूसरी जो ड्राइंग है उस पर कम इंतजार करना पड़े।